क्या नाम भैया आपका? बली मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले? करमपुर चौधरी। क्या मामला था? आपकी बहन थी, बेटी थी? हमारी भांजी थी। भांजी कैसे खत्म हो गई? वो एक लड़का था हसन का नाम का, आमने सामने घर है उनका, करीब 3-4 महीने से उसे समझा रहे थे हम, उसके माँ से उसके बाप से भी गई थी हमने, एक दो फिर मोबाइल भी पकड़ा गया उसका, परेशान करता था। वो लड़की वो जाती थी स्कूल तो रास्ते में रोक के नहीं छेड़खानी करता था जी। हाँ, अब कल 27 तारीख को घर में घुस गया वो, फिर उधर से हम लोग भी आ गए, फोन पर मारपीट हुई, फिर हम लोगों ने पुलिस बुला ली, पुलिस उससे पकड़ लाई, फिर उसके बाद में जो कह रहे समझौता कर लो, हम समझौता के लिए ने वो आ गए रोड पे। अब लड़के की माँ ने पता नहीं किस समय उसे जहर दे दिया हमारी भांजी को, लड़की को ला करके उनने फिर उन पर मुँचो दी हुई बाद में, फिर उसके बाद में पता नहीं जहर खा लिया जहर, कितने टाइम खाया कितने टाइम नहीं खाया ये पता नहीं। आप लोग पता हमें करीब 3-3 बजे के टाइम पता चली, हम ले गए हॉस्पिटल प्राइवेट में, तो फोन पर उनने वो करा, फिर उन्होंने कही इनकी कोई उम्मीद नहीं है, 15 मिनट की, घंटा भर की, 2 घंटा की, इन्हें डिस्ट्रिक्ट ले जाओ। डिस्ट्रिक्ट लाए फिर उन्होंने वो इलाज तो नहीं हुआ, वो एम्बुलेंस में ख़त्म हो गई थी जी। पढ़ाई करती थी, कुछ काम करती थी? पढ़ाई करती थी। कौन सी क्लास में? 8वें में। लड़के क्या नाम है जिससे पर्सन करता था? हसन खां। पास का रहने वाला है? आमने सामने घर आएगा उनका। क्या नाम उसके पिता का? सईद खां। कितने दिन से परेशान कर रहा था ये? करीब 6-7 महीने से कर रहा है परेशान। कोई शिकायत करी थी इससे पहले? इससे पहले कोई शिकायत नहीं करी थी, आपस में बैठ के हमने उन्हें समझाया था, उसके लड़के को मामा को भी बुलाया था, उसके माँ को बाप को, पुलिस सब नहीं करी थी शिकायत? पुलिस में कोई शिकायत नहीं करी थी, आपस में बैठ के बात जी। हाँ, उसके बाद भी नहीं माना? ना ना। क्या करता लड़का? लड़का कोई सटरिंग का काम करता है। लड़का पकड़ गया क्या अभी? ना, लड़का पकड़ गया जे, वो लड़का थाने में है। दिनांक 27 सितंबर 2024 को थाना इज्जतनगर जनपद बरेली में एक नाबालिग बालिका द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर बालिका को तत्काल ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे कुछ देर बाद बालिका की मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में परिवारजनों द्वारा एक तहरीर दी गई अपने ही पड़ोसियों के विरुद्ध, और इस तहरीर में बालिका को आत्महत्या के लिए उकसाने की बात कही गई, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आगे की विधिक कार्रवाई इस प्रकरण में प्रचलित है। कल ही पकड़ गया तो लड़का? आज पकड़ गया? कल ही पकड़ गया। तो और कोई परिवार से माँ वगैरह कोई तहरीर तो दी होगी सबके खिलाफ? मुकदमा दर्ज हो गया होगा ना? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया सबके खिलाफ, वो सब फरार नहीं कर सकता, ताला लगा के।